सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। सोहना में दो दिन पहले एक महिला ने सोहना के गांव जखोपुर निवासी डॉक्टर हुकुमचंद व उसके अन्य दोस्त पर नौकरी का झांसा देकर सामूहिक रूप से बलात्कार करने का आरोप लगाकर सोहना थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी डॉक्टर हुकुमचंद को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद तावरू के गांव पढ़िनी निवासी नूरजहां ने आरोपी के लड़के अभिषेक के पास फोन करके फैसले के एवज में पैसे की डिमांड की। वह फैसला 13 लाख रुपए में तय हो गया। फैसले के अनुसार अभिषेक 13 लाख रुपए लेकर सोना के बाईपास पर पहुंचा, जहां पर नूरजहां उसकी लड़की रजिया बानो व गाँव रावता जिला नजफगढ़ निवासी मंजीत सिंह मौके पर खड़े हुए थे। उसके बाद वो अभिषेक को लेकर बाईपास पर स्थित एक वकील के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर पैसे का लेन देन किया जा रहा था। इसी दौरान मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। गैंगरेप के आरोपी हुकुमचंद के बेटे अभिषेक ने उक्त जानकारी सोहना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी कर सभी लोगों को रुपयों सहित रंगे हाथ मौके पर ही काबू कर लिया। जिस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ धारा 384 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरोपियों को रिमांड पर लिया जाएगा। वह पता लगाया जाएगा कि इससे पहले हनी ट्रैप के मामले में कोई अन्य वारदात को आरोपियों ने अंजाम तो नहीं दिया। वह इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनका नाम जांच के बाद उजागर किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में आया था, पुलिस स्टेशन में उसने आके बताया कि जिसकी शिकायत के ऊपर, महिला की शिकायत के ऊपर FIR रजिस्टर की गई है, वो उनसे पैसे की मांग कर रही है। और उन्होंने किसी तरह से जब आपस में बातचीत करने के बाद उसने बताया कि उन दोनों की वो कह रही कि मुझे आप 13 लाख रुपए दे दो और मैं इस चीज़ में आपसे फैसला कर दूँगी। शिकायतकर्ता अभिषेक जो हुकुमचंद का लड़का था, उसने कहा था कि इन लोगों ने मुझे पूरा यकीन है मेरे पिताजी को सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए एक गलत FIR में रजिस्टर करवा दिया। इसके ऊपर हमने जो एक अलग से रेडिंग पार्टी इसमें बनाई गई, रेडिंग पार्टी ने रेड की तो मौके से एक्यूज्ड जो नूरजहां, जो पहले मुकदमे की शिकायत करता थी, नूरजहां की पुत्री रजिया बानो और इनकी पुत्री का एक मित्र मंजी, ये तीनों वहां पे मौके पे हाजिर थे। टेबल के ऊपर पैसे रखे हुए थे, पैसे गिनने पे उनको पता चला जो कुल रकम 13 लाख रुपए थी। और जो आरोपी जो इन्होंने बनाया था हुकुमचंद का पुत्र जो है, उन एक अपने मित्र के साथ, पारिवारिक मित्र के साथ जाके उन रुपए को लेके गया था। हमने मौके से सारी रिकवरी कर ली है और तीनों लोगों को अरेस्ट कर दिया। कहाँ के रहने वाले सर ये तीनों? सत्य खबर के लिए सोहना से संजय राघव की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।